जमीन पर एनर्जी का अहम जरिया सूरज की रोशनी है प्लांट्स यूज सनलाइट एंड मेक फूड पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक तैयार करते हैं दस प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स इसलिए पौधे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स वो पौधों और दूसरे जानवरों को खाते हैं दस एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स इसीलिए जानवर कंज्यूमर कहलाते हैं अ कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर और अ टर्सरी कंज्यूमर एक कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी भी हो सकता है ऑर्गेनिजम्स ईट ऑर्गेनिजम्स जानदार जानदारों को खाते हैं एंड आर इन टर्न बींग इटन बाय अदर्स और फिर दूसरे जानदारों की खुराक बन जाते हैं दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ फूड चेन जानदारों के दरमियान खुराक का ये ताल्लुक फूड चेन कहलाता है मिसाल के तौर पर जैबरा घास खाता है और शेर जैबरे को खाता है स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप समझ चुके होंगे If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching. Allah Hafiz.